हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सिल्वी। जो मेरा आज का वीडियो है वो टू पार्ट्स में रहेगा। मैं बनाऊंगी सांभर और इडली की रेसिपीज। अगर आपको इडली की फुल रेसिपी चाहिए जाननी है तो नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिएगा। तो अभी जानते हैं इंग्रेडिएंट्स हमारे सांभर के। सांभर बनाने के लिए हमें चाहिए अरहर की दाल 1 कटोरी या 250 ग्राम, 1 चम्मच कटी हुई अदरक, 1 चम्मच कटी हुई लंबी लंबी आपकी लहसुन की, सांबर मसाला 2 चम्मच, 1 चम्मच आपको चाहिए सरसों, आप उसकी जगह राई भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच छोटा हींग का, 2 बड़ी लाल मिर्च सूखी हुई, 3 हरी मिर्च, कड़ी पत्ता कुछ, 3 कटी हुई प्याज, 2 चम्मच बड़े आपके हैं ये इमली पेस्ट के। आप इमली पेस्ट आप घर पे भी बना सकते हैं, मैंने रेडीमेड लिया हुआ है। आप घर पे बनाने के लिए रात में इतना टुकड़ा आप भिगो कर रख दें पानी में और सुबह में उबाल सकते हैं, नहीं तो आप सुबह डायरेक्टली भी उबाल सकते हैं और उसे स्ट्रेन कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा अपना इमली का पल्प आपको मिल जाएगा। फिर आपको चाहिए नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच काली मिर्च, साथ के साथ आपको 1 चम्मच अलग से उसके अलावा 1 चम्मच अरहर की दाल और 1 चम्मच सफ़ेद उड़द की दाल चाहिए और हमें चाहिए तेल। तो आइए बनाते हैं अपना सांभर। मैंने सांभर को सबसे पहला स्टेप क्या है कि सांभर वाली दाल जिसे हम अरहर की दाल के नाम से जानते हैं उसको मैंने नमक हल्दी और 1 चम्मच तेल के साथ और 1/4 लीटर पानी के साथ, मतलब 1/2 बोतल पानी की नमक और हल्दी के साथ इसको मैंने उबाल देना है 2 विसल आने तक और इसे फिर हम मैंने स्टीम में ही रहने देना है थोड़ी देर के लिए। ये देखिए मैंने अपना कुकर बंद कर दिया है। 2 विसल के बाद मैं तेज सेक पे 2 विसल दिलाऊंगी, उसके बाद कुकर को करूँगी रहने दूंगी बंद 10 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने कुकर बंद कर दिया है, इसे 2 विसल होने तक तेज सेक पर रखना है, फिर बंद करके 10 मिनट तक रहने देना है और 10 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। सांभर के तड़के के लिए मैंने 1 कड़छी तेल तैयार रखा है। इसमें सबसे पहले डालेंगे हम सरसों और हींग, फिर हम डालेंगे अपनी ये दाल जो हमने अलग से रखी थी, उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्का कलर चेंज होने के बाद इसमें जाएगा हमारा लहसुन, फिर हमारा अदरक, हरी मिर्च बीच में स्लिट की हुई, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, और प्याज। आप इसमें अपने स्वाद अनुसार सब्जियां भी डाल सकते हैं और वो जाएंगी इसके अंदर ही। बस इसे हमने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक करना है, तेज सेक पे ही हैं हम। फिर जाएंगे इसमें मसाले और जाएगा हमारा सांबर मसाला और इसे हम देंगे एक क्विक स्टर। थोड़ी सी आपको सांबर की खुशबू आए तो अभी हम बंद कर देंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, हमें कलर चेंज ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ हमें मसाले को पकाना था जो पक चुका है। अब हमने कर देना है इसको बंद। 10 मिनट हो चुके हैं मेरे कुकर को बंद हुए, तो अब मैं खोलकर उसको देख लूँगी अपने सांभर को। ये देखिए 2 विसल के बाद मैंने इसको खोल दिया है। इसे थोड़ा सा मिक्स देंगे और 2 मिनट रहने देंगे इसमें ऐसे ही ढककर।
याद रखिए कि इमली और अपने मसाले डालने से पहले हमें पूरा अपना दाल को पूरा कुक करना है। अगर आपको लगता है कि एक विसल और ज़रूरत है या इसे और 5-7 मिनट की ज़रूरत है, बिकॉज दाल की क्वालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको लगता है तो बेशक थोड़ी देर और रहने दीजिए, बिकॉज इसमें अगर खट्टा कुछ चला जाता है, हम जो मसाला बनाया है वो या हम इमली, तो ये और गलेगी नहीं, गलने का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है उसके बाद, सिम खट्टी सेक चीज़ पर डालने के बाद, क्योंकि वो गल नहीं पाएगी। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप थोड़ा और इसको गला सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे कुकर को अपनी आंच पे चढ़ाए हुए, और अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी पहले अपना मसाला। साथ ही इमली का पल्प, इसे दूंगी एक क्विक स्टर, और मैं इसे 10 से 12 मिनट के लिए ढककर रहने दूंगी। अभी मैंने इस कुकर को बंद नहीं किया है, मैंने कहा एक बार चेक कर लेती हूँ। 5 मिनट के करीब हो चुके हैं इसको ढके हुए, बस इट्स अबाउट टू गेट रेडी। लेकिन पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, आधा गिलास के करीब। अगर आपको ऐसे ही गाढ़ा अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, तो ऐसा ही कंसिस्टेंसी में ये रेडी होगा। बट मैं डालूंगी आधा गिलास पानी। मैं आधा गिलास पानी डाल के इसको फिर से, जो 5 से 7 मिनट रहते हैं मेरी कुकिंग प्रोसेस में, उसको मैं कंप्लीट करूंगी। ये लीजिए, अब 10 मिनट हो चुके हैं टोटल, तो अब हम इसे करेंगे सर्व। ये बिल्कुल मेरा सांबर रेडी है, आइए इसे सर्व करते हैं और प्लेटिंग करते हैं। ये लीजिए, तैयार है मेरा सांबर। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फेवरेट इडली, वड़ा और चटनी के साथ। अगर आप मेरी इडली की रेसिपी देखना चाहते हैं फॉर द प्लेन इडली एंड द स्टफ्ड इडली, तो ज़रूर मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अगर आपको जाननी है ये इडली की रेसिपी, बहुत फ्लफी एंड सॉफ्ट लाइक रुई एंड स्टफिंग के साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रॉम आपकी दोस्त।